होना चाहिए। एक अच्छा 1800 साल एक ही राबड़ी प्रसाद चालू। अच्छा प्रसाद है देव जी का। आओ कभी घूमने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ श्री सुहाय भोज मंदिर, जो कि आसिंध में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये देखिए, ये मंदिर का जो है मेन गेट है। अब हम इसके नीचे को होकर जाएंगे और ये सामने जो मंदिर है, मेन मंदिर, और पार्किंग भी फ्री है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये बाहर का दृश्य है मंदिर के, और बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये अंदर का दृश्य, कलाकृति भी बहुत सुंदर है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, साडू माता जी का जो मंदिर है आप देख सकते हो, और ये जो है सुहाय भोज जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये जो है भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर है। तो तीनों मंदिर पास पास बना रखे हैं। और ये देखिए दोस्तों, गेट की आकृति है यहाँ पर, जो गेट है मंदिर के, बहुत सुंदर आकृति है। और ऊपर का जो दृश्य है वो भी बहुत सुंदर है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है जो यहाँ का है, और बहुत ही आनंद आ रहा है हमको यहाँ पर। और देखिए मंदिर का जो दृश्य है, और चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर की ओर, और वहाँ से देखते हैं जो मंदिर का दृश्य है। देखिए दोस्तों, यहीं पर जो है आप देख सकते हो सामने ही ये रणभूमि है, यहीं पर युद्ध हुआ था, और गाय भी यहाँ पर, लगभग 1000 बीघा जंगल है यहाँ पर गायों के लिए चरने के लिए। सारी भूमि सुहाय भोज की है जो गैया चरती है। और ये ऊपर जो मंदिर था श्री गणेश भगवान जी का, और जो इनके गुरु थे श्री गुरु रूपनाथ जी, आप देख सकते हो ये, और बहुत ही सुंदर दृश्य है मंदिर का, गुरु रूपनाथ जी। और ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पर। Oh,
दिया। ये देखिए दोस्तों, श्री सवाई भोज देव नारायण मंदिर है, और यहीं पर जो नीम के पत्तों का जो इनका श्रृंगार होता है, नीम के पत्तों का होता है। ये देखिए, ये कोई पुराना घृत है जिससे कि दूध जो है मक्खन डालकर इसमें भिलवाया जाता था और घी जो है निकाला जाता था। ये देखिए, बहुत कई सौ साल पुराना है ये घृत, और आप देख सकते हो, और इसमें जो है ये आप देख सकते हो कि ये इसमें मक्खन रखा जाता है। बड़ा सांडू माता जी थी, यहाँ पे दूध इसमें डाल के लस्सी निकालती थी, जो बोलते हैं मक्खन। ये पुराना सिस्टम है, देखिए। और दोस्तों, ये बैलों के द्वारा जो है चलाया जाता था, ऐसे घुमाया जाता था बैलों के द्वारा। और ये दोस्तों, यहाँ पर जो है राबड़ी का प्रसाद है, आप देख सकते हो। और बर्तन जो है अच्छे से साफ करके और छोटे छोटे अच्छे से धोने के बाद फिर राबड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ी जो बात है, ये बाबा और ये दादी है, इनसे थोड़ी बात करते हैं। और ये देखो, कम एक में कम ये लेकर आ गए माता जी की राबड़ी। देव जी की राबड़ी, देव जी की राबड़ी, नीचे बैठ के ये किस चीज की बनती है माता? काट की, मक्की की बनती है। मक्की की बनती है जी, तो परंपरा से अगर राबड़ी चालू हो के जरूर ऊपर से एक अच्छा 1800 साल एक ही राबड़ी प्रसाद चालू। अच्छा ठीक है, अच्छा 12 महीने राबड़ी चालू है, 12 महीने आप सुबह में 9 बजे चालू है, शाम को 9 बजे बंद होती है, 9 बजे बंद होती है। सब राबड़ी पिए, यहाँ पर लोग भूखा आता भूखा नहीं जाता। ठीक, यह राबड़ी 12 महीना चालू। ठीक 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 अच्छा, शाम का हेला पड़ता है, शाम का हेला पड़ता है, येलो कर अब धरती में कटे येलो नहीं पड़ रहा, येलो हटे पड़ता है। ठीक, शाम का 9 बजे येलो पड़ता है, येलो पीड़ियों के बाद में यात्री आ जाओ तो राबड़ी पीला जा नहीं आवे, तो शाम का 9 बजे 9:30 बजे बंद कर, 9:30 बजे 9:30 बजे बंद कर। ठीक, और 1000 बीघा जमीन है, 1000 बीघा जमीन है यहाँ पे, 1000 बीघा जमीन जी का जो पैर सीमेंट की दीवार, जो गाय चुगती है यहाँ पे चरती है, मंदिर की गाय चरती है, मंदिर की, मंदिर की 300 गाय। हाँ, मैंने उसमें देखा था, मैंने 300 गाय 300 गाय और 50 गाय दुआती है। अच्छा जी, 50 गाय दुआ जब आए जा सास में राबड़ी। देखिए दोस्तों, ये राबड़ी का प्रसाद है जो कि बहुत फेमस है। कैसी लग रही है भैया? प्रसाद है देव जी का। जी जी जी, ये देखिए भैया घुमा घुमा के पी रहे हैं, इसमें मक्की होती है और अच्छी अच्छी चीजें होती है सभी, और लस्सी वगैरह होती है। ये देखिए भैया ने रबड़ी पी चुके हैं, हो गए हाथ धो रहे हैं, धो के रख रहे हैं, वहाँ पे धो के भी रखना पड़ता है बर्तन। ठीक है, ये पंडाल है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा पंडाल है, देखिए पंगत चलाई जाती है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। वो देखिए वहाँ राबड़ी बांट रहे हैं दादा और दादी, ये गोडाउन है, ये देखिए नाज चावल मक्की सभी चीज़ यहाँ पे मिलेगा आपको। ये देखिए, महिलाओं का प्रवेश निषेध, प्राचीन धोनी है ये कोई, और यहाँ पर बोलते हैं कि परमानेंट जो है आग जलती रहती है यहाँ पर धोने में। ये
बाबा के यहाँ पड़ा हूँ मैं, बाबा के दरों में। आओ कभी घूमने के लिए। ये बाबा जी का घोड़ा है, बाबा जी का घोड़ा है, बाबा जी का। तो हाथ में लगा बजा दे। हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं आया हूँ यहाँ बाबा के मंदिर घूमने, राजस्थान में। पार्किंग भी है। ये देखिए फ्रेंड, काफी अच्छी जॉगिंग हो जाती है यहाँ पे। ये वाओ, कितनी अच्छी बननी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और सभी सामान मिलता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं। ऐसे हो और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए दोस्तों, ये रन भूमि है, आप देख सकते हो। ये रन भूमि है जहाँ पर वो देवता मंदिर के बाहर का इलाका।